सूरजकुंड में तमाम देशों की जहां कला और संस्कृति देखने को मिलती है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कला और संस्कृति है वो यहां देखने को मिलती है। इस समय हमारे साथ बेलारूस के कलाकार हैं जो यहां पहुंचे हैं, और इनसे मैं कहूंगा कि एक बार अगर ये दिखा पाएं तो एक बार ये बताइएगा जरा किस तरीके से आप डांस कर रहे थे, और तब तक हम ये जानते हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, कहाँ के कलाकार हैं। जी, ये बेलारूस से है, बेलारूस नेक्स्ट टू रशिया है, जो अभी आप हमारे वॉर के कारण, यूक्रेन और रशिया के वॉर के कारण जानते हैं बेलारूस, उनके बहुत अच्छे हैं, रशिया और बेलारूस बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो ये नेक्स्ट टू द रशिया है। बेलारूस के बारे में जो हमने सुना है ना, वो न्यूज पे जब देखते थे और जब देखते थे कि वहाँ लगातार बमबारी हो रही है, माहौल पूरी तरह बिगड़ गया है, अब ऐसे माहौल में जब ये लोग निकल कर आते हैं तो क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, बेलारूस कभी भी बहुत ही शांति प्रिय कंट्री है, बताएं तो, अगर देश जो है उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा रशिया के साथ रहे हैं, तो हमेशा साथ दे रहे हैं रशिया के, एक कहते हैं जैसे हिंदू रूसी भाई भाई हैं, तो बेलारूस और रूस भी भाई भाई ही हैं, हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। सूरजकुंड मेले में जब ये लोग आते हैं तो क्या सोच क्या रहती है, क्या भावनाएं क्या रहती है? भावनाएं इनकी रहती है कि अपने देश को वो दिखाने आए हैं, कैसे सारी दुनिया देश को अपने दिखाती है, वैसे ही वो भी अपने देश को दिखा रहे हैं। आप देश को दिखाने नजर आए, अगर आप मुझे ट्रांसलेट कर पाए, अगर आप कर पाए ट्रांसलेट, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये क्या महसूस कर रहे हैं, सूरजकुंड इन्हें कैसा लगा? Все очень нравится, очень хорошо, вкусная еда, хорошие люди, добрые, приветливые. Организация замечательная. Спасибо вам за ваше гостеприимство. ये कह रहे हैं कि हमें कंट्री बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत एज ए गेस्ट जो है हमारे इंडिया में जो लोगों को ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इतना आपका अच्छा फूड भी बहुत अच्छा है, थोड़ा स्पाइसी तो है बट स्टिल टेस्ट इज गुड। एक सवाल और की बोल रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ इंडिया जो हम अपने हार्ट में लेकर के जाएंगे, इंडिया से हार्ट में लेकर जाएंगे बेलारूस। कम से कम इस बात के लिए लगा लेनी चाहिए। तमाम वो लोग हैं जो भारत पहुंचे हैं, फरीदाबाद पहुंचे हैं, सूरजकुंड पहुंचे हैं, और यहां पर आकर अपनी कला और संस्कृति का परिचय देंगे, और एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि भारत की जो मेहमान नवाजी है इसको ही अपने दिलों में बसाकर जाते हैं, और इसीलिए कोशिश इस बात की रहती है कि जब भी सूरजकुंड आने का मौका मिले, जब भी अपनी कला और संस्कृति को दिखाने का मौका मिले, तो ये यहां पहुंचते हैं और उसके बाद तमाम देश और विदेश के लोगों का मन मोह लेते हैं। कैमरामैन प्रिय दर्शन के साथ दीपक गौतम, फरीदाबाद।